shots. Only three. 3 मिनट तक और लगातार एक भी मिस नहीं हो पाए. और अगर ये कोई करके दिखा सकता है तो ये निशा उसे किस करेगी, और वो भी लिप किस. लॉक, लिप लॉक. कोई है जिसे ये चैलेंज कबूल है? किस उससे करते हैं जिससे प्यार करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है. और इस प्यार का मैजिक कब सर चढ़ के बोलने लगता है, ना तुझे पता है ना मुझे पता है.
सारा जहां प्रेम भरा, प्रेम करना ये हक है मेरा, शादी करना ये हक है मेरा, मेरी हर अदा में प्रेम है, मेरा तो स्वभाव ही प्रेम है। ये ना कहना कि मैं इस अमृत के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। अमृत पीने वाले सारे देवताओं को मैं भस्म कर दूंगा। हे काली, महाशंकर महेश्वर भगवान शिव, जिन्होंने अपने कंठ के ऊपर विष को दबा कर रखा है, मृत्यु के शत्रु, वही शिव सदा चिरंजीवी रहे। कुष्मांडा, अगर अपने कंठ में विष दबाए भगवान अमर हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरा शरीर और रोम रोम विष से भरा है, क्या ये उचित नहीं है? हे भगवती, ओ सर्वानी, माया और तंत्र की देवी, राक्षसों का विनाश करने वाली दुष्ट शक्ति आत्मा और भूतों पर राज करने वाली ब्रह्म राक्षस वेदाल कुष्मांडा की शक्ति निर्देश दे रही है, कपालिका मृत्युंजय प्राप्त कर चुका है। कुष्मांडा, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। मैं अमर हूं। क्या पागलपन है, क्या इसीलिए इन्होंने बस को रुकाया था? और कितनी देर लगेगी, पहले से ही लेट हूँ,
मुझे नहीं लगता नाटक खत्म होने तक बस शुरू होगी। लोग तो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। लेट हुए तो घर वालों को टेंशन होगी। मुझे आपसे नहीं, वहां खड़ी उस लड़की से बधाई ले। चलो चलकर बस में बैठते हैं। चलो इसे तुम एक्टिंग कहती हो? कौन है ये? अरे यहाँ पे तो काफी मशहूर है ये, ऐसे रोल्स में तो बहुत एक्सपर्ट है। हाँ हाँ पक्का ड्रामेबाज लगता है वो। ये है दिवाकर, इसे नाटक से प्यार है। ये जिस किरदार को निभाता है उसमें पूरी तरह से घुल जाता है। ठाकुर गफूर, क्यों बहुत जान है ना तेरे इन हाथों में? यही हाथों ने हमारे बस परमिट को कैंसिल किया था क्यों? अब तेरे इन हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा रे। हाथ हमको, हाथ मुझे दे 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 हमको। वो एक ऐसा राक्षस है जिसके सामने जानवर तक जाने से डरते हैं। उसे न कानून से डर है न मौत से। हैवानियत का जीता जागता नमूना है। ए, सैंडी, मुझे बात करनी है अर्जेंटली। हे अभी, हे, हाँ, क्या हुआ? टेंशन में क्यों है? ओके। ये क्या श्वेता? वो भी उदय के साथ? मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, हमें शादी करनी है और इसमें मुझे तुम सब लोगों की मदद चाहिए। हम लोग भी मदद करेंगे। कम ऑन, दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे यार, इसका तो रोज का नाटक हो गया। अभी ए, सुन, इस ड्रामेबाज का क्या करने का? ए, ये रोटी नहीं है यार। एक्चुअली श्वेता के डैड होम मिनिस्टर हैं और अंकल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आंटी जी क्रिमिनल लॉयर। पूरी तरह से फंस गए दोस्त। तो फिर बात वही है दोस्त, लाइफ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अगर प्लान मैंने किया है तो रिस्क भी मैं ही लूंगा। अरे प्यार व्यार क्या है दोस्त, कोई भी कर सकता है यार। लेकिन क्या है ना, माँ बाप के खिलाफ लव मैरिज करने के लिए दम चाहिए बॉस, दम। और वही चीज अभी राज के पास है, दम। सैंडी, हाँ, मेरा नाम लिया, मतलब कोई मुश्किल काम ही होगा, बोल। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल है। तू आज रात को श्वेता और उदय को अपने घर में छिपा दे, बस। होम मिनिस्टर तेरा फैमिली फ्रेंड है कि नहीं, कोई डाउट का सवाल ही नहीं आता। प्लान काम करेगा। और जब भी बॉस नाटक में काम करेंगे तुम्हें आना ही होगा और बधाई देनी ही होगी। सही कह रहा है। सही कहा ना मैंने? इधर सुन बच्चे, ऐसे बात नहीं करते। इस मामले में थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। इन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी और बधाई नहीं दे पाई। बताओ मेरी एक्टिंग पसंद क्यों नहीं आई? जानते भी हो मैं कौन हूँ? सच में मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं जादूगर, कोई संग्राम सिंह भी बुलाता है, दुर्योधन, बेताल, कीचक, ऐसे बहुत सारे नाम है मेरे। मैं अपने चरित्र का गुलाम बन जाता हूँ, बस अभी
मुझे ये पता चला कि मैं आखिर हूँ कौन, वो भी तुम्हारे कारण। जानवर, एक भूखा जानवर, मुझे तुम बहुत पसंद है। इंजन गर्म होता जा रहा है जानेमन, बुरा ना मानो तो ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? फिगर के साथ साथ अहंकार भी है। कोई बात नहीं अगर एक्टिंग नहीं पसंद आई, लेकिन मेरी ताकत को जरूर मानोगी तुम। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज रात हम दोनों, क्या हुआ अगर थोड़ी सी देर हो गई तो? अरे फ्री का नहीं, जो चाहोगी वही मिलेगा तुम्हें, बस एक रात। कपाले! मुझे लगा कि मृत्युंजय के बाद मुझे और किसी चीज पर विजय प्राप्त नहीं करनी होगी, लेकिन मैं गलत था। ऐसा नहीं है, मुझे इस कन्या पर किसी भी हालत में जीत पानी होगी। सिर्फ एक रात की तो बात थी जानेमन, अब मुझे कुछ और चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, लेकिन मेरा हृदय तुमसे प्यार करता है। अब से हर रात तुम मेरे साथ रहोगी, मेरा पुरुष और तुम्हारी सुंदरता। आज के बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुष्मांडा, आपने जोड़ी बना दी है। पहली नजर का प्यार तो मैंने कई बार सुना है, मगर ये बिल्कुल ही अलग है। पहली नजर का वार, मुझे लगता है ये लड़की का बैड लक है। अब देख बॉस इसके साथ क्या करने वाले हैं। ये लड़की तो गई काम से। क्या हुआ, पसीना आ रहा है? ए बाबू सुन, बोलो। इस रूट की सारी बसें इसी करवा दे, समझा? एक रात बर्बाद हुई तो क्या हुआ जानेमन, हमें तो बहुत सारी रातें गुजारनी है। चलो जाओ। ए बाबू इनका ध्यान रख। ठीक है बॉस, चलो जाओ। चलो। अभी सैंडी के घर में ही हूँ। हाय गाइस। हाय। ए सैंडी, हम लोग श्रीनाथ अंकल के घर पार्टी में जा रहे हैं, तू क्यों नहीं आता हमारे साथ? मर गए, फिर से उनका भाषण सुनने के लिए कौन जाएगा? मेरा सिर दुखता है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। माफ कर दो सरकार, गलती मेरी थी। काम खत्म, चलो चले। सैंडी कल सुबह 6 बजे। वाह छोटे सरकार, 10 बजे तक नहीं उठने वाले हैं, 6 तो दूर की बात है। हाँ अंकल, कल सुबह बर्ड वॉचिंग। अगर करने का और कोई प्लान नहीं रहा तो मेरे ख्याल से यही प्लान फिक्स रहेगा। कोट भूल गए तो चले। थैंक यू, सी यू गाइस, एंजॉय, बाय बाय। हे गाइस, अरे यार इतना डर क्यों रहे हो? नहीं हूँ श्वेता। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स यार, ये घर बार छोड़कर आई है मुझ जैसे हैंडसम के लिए। पता नहीं डैड कितने टेंशन में होंगे और स्टेट को भी कितना टेंशन में डालेंगे, ये सोच के मेरा टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके गुड नाइट, रिलैक्स, आई विल सी यू अगेन। आई लव यू ना बोलने पर गला काटने वाले का कुछ पता चला? यस सर, लेकिन एनकाउंटर के वक्त मारा गया और क्या। हाँ सर, मगर इन सब घटनाओं से टेंशन बढ़ सकती है। टेंशन तुम्हारे लिए बढ़ सकती है अगर वो तुम्हारे हाथों से बच गया। ऐसे बदमाशों को तो ऐसे ही सबक मिलना चाहिए, ताकि प्यार का नाम लेने से पहले वो लोग एक बार सोच ले। आई बात समझ में? ओके सर। अरे संदीप आ जा बेटे, कितना समय हो गया मिलके, देख ही नहीं पाया। अमेरिका में काम मिल गया सुना है, कॉन्ग्रेट्स। चलो जश्न मनाते हैं, कुछ पियोगे? नहीं अंकल। इतना खुशी का मौका है और कुछ पियोगे नहीं? नो थैंक्स अंकल। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे हाँ, श्वेता नहीं आई तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ ही तो थी ना? श्वेता नहीं आएगी अंकल। क्या कहा तुमने? क्या हम अंदर बैठकर बातें कर सकते हैं? यहीं पे बोलो। श्वेता मेरे दोस्त उदय के साथ भाग गई। हे, क्या बकवास कर रही है? इसे मजाक समझा तूने? मजाक समझा है? मेरी पहुंच कहां तक है मालूम है तुम्हें? जल्दी से बता श्वेता कहां है। श्वेता उदय के साथ ही है। ए, अगर मैंने तुम पर केस किया ना तो तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये अच्छी तरह जानता हूं अंकल, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। बाप होने के नाते आपका गुस्सा एकदम जायज है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप एक होम मिनिस्टर हैं, इसलिए श्वेता को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, जबरदस्ती उसकी शादी भी करवा देंगे।
और उदय तो बेचारा मारा जाएगा किसी एनकाउंटर में, है ना सर? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे जैसा कॉमन सेंस तुम्हारे दोस्त को नहीं है क्या? जा बताओ उसे मेरे पावर के बारे में। आपको आपकी पावर का अंदाजा है पर प्यार की ताकत का अंदाजा नहीं है। बाहर में गई तेरी प्यार की ताकत। श्वेता और उदय को ढूंढने के लिए आपको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। उदय और श्वेता को समझने के लिए सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए। आप भी इस उम्र से गुजरे होंगे, उनके प्यार को समझने की कोशिश करें। तो क्या साले मैं फ्लैशबैक में जाके वापस देखूं? याद रख, तेरी तुम्हें वाट लगा दूंगा। जान लेना और देना आपके हाथ में है, पर प्यार की ताकत को खत्म करने वाला ना आज तक धरती पर पैदा हुआ है ना कभी आसमान से टपका है। ये सैंडी कहाँ गया? अब तक सो रहा है क्या? रात से ही घर में नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कोई टेंशन मत लो। अरे ये देखो सैंडी आ गया, वो देखो सैंडी आ गया। ए सैंडी, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वाह, गाड़ी भी आ गई, चलो चलो कम फास्ट। गॉड, ओ मिनिस्टर अंकल, तो तू ही शादी रचा रहा है ना? मैं तो ये फोटो कैसे? अरे वो छोड़ो, ये देखो। और वो अपने पीछे वाले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, फोटो एग्जीबिशन रख रहे हैं क्या? सोच रहे हैं कि किसका पोस्टर बनाया जाए, राइट? अचानक आप लोग मेरा पोस्टर क्यों छपवाना चाहते हैं? रंडी, अच्छा ये बताओ कि कौन सी लड़की अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी? एक को अच्छी कहूंगा ना तो दूसरी उससे ज्यादा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं ना किसी को अच्छा कहूंगा और ना बुरा। अच्छी लड़की मुश्किल से मिलती है, तुम्हें किसी एक का ही पल्लू पकड़ना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ पाएगा गोपी? देखो बेटा, अगले महीने तुम अमेरिका जाने वाले हो, वहाँ तुम जॉब करोगे, कह दो। 5 साल के बाद आओगे तुम, तब तक तुम्हारी शादी हो जाती। तो सही कहा, गुड आइडिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम तो बता, हम जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। हाँ, क्यों नहीं? तो ये आइडिया था एग्जीबिशन का। ये दे। सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त हैं, ना कोई लवर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहा? तो किसी से प्यार नहीं करता? अरे तो कैसे होगी तेरी शादी? क्यों, शादी के लिए वीजा लगता है क्या? आप लोग जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? आप लोग जिस लड़की को चुनेंगे उससे शादी कर लूंगा। क्या कहा? लव मैरिज छोड़कर तो अरेंज मैरिज करेगा? हाँ? वसु ये झूठ बोल रहा है, कुछ तो गोलमाल है। सर ये देख, हर वक्त किसी क्लब और पार्टी में रहता है और कहता है कि नो गर्लफ्रेंड। मैं ये सब नहीं मान सकता। अरे प्रॉमिस डैडी, अब मैं जाता हूँ तो जरूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, है पर मैंने किसी को चुना नहीं क्योंकि मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, इसीलिए तो आप लोगों को ढूंढने के लिए कह रहा हूँ। तो कौन सी सदी में जी रहा है यार? तुझे पता है 30 साल पहले तेरे डैडी और मैं प्यार में पागल होकर रफू चक्कर हो गए थे, और तू है कि फर्स्ट जनरेशन में रहकर भी अरेंज मैरिज चाहता है। अरेंज मैरिज? क्यों फर्स्ट जनरेशन में? अरेंज मैरिज कोई जुर्म है क्या? लेकिन क्यों बेटे, जिंदगी भर हमें धिक्कारते रहोगे। वसु तुम्हें याद है, हा? इसके लास्ट बर्थडे पे हमने इसे एक शर्ट गिफ्ट किया था, फेंक दिया था शर्ट सीधे मेरे मुंह पे। अगर ऐसे सरप्राइज गिफ्ट को तुम पसंद नहीं कर सकते तो लाइफ टाइम गिफ्ट को कैसे पसंद करोगे? हा? आप लोग जो कह रहे हैं सही है, पर आप लोगों को फैशन के बारे में और ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता। और जहाँ तक शर्ट की बात है, उसे एक्सचेंज करवा सकता हूँ या फेंक सकता हूँ, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात अलग है। यहाँ चॉइस बहुत जरूरी है। रॉन्ग चॉइस लेकर जिंदगी भर टेंशन में रहने से अच्छा है कि आप लोग मेरा काम कर दें। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। कौन हो तुम और यहाँ क्यों रुके हो? हमारे बॉस राहु काल तक कार के बाहर नहीं आएंगे। ओहो, और अब राहु काल खत्म। अरे कौन हो तुम? ओ दादी माँ, अभी तक आप जिंदा हो? क्या मतलब? ये बताओ आपके जीवन रेखा पर डॉक्टर की क्या राय है? अब आपका आखिरी टाइम नजदीक आ रहा है तो आपकी इच्छा होगी अपने पोते की शादी देखना, राइट? ओ सर जी, क्या बात कही है आपने। एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। आई नो दिस ओल्ड पीपल साइकोलॉजी। उनके फेस पे ही मैंने इमरजेंसी का केस देखा। इनके पोते की शादी और इनका टपकना एक ही दिन होगा, ये मुझे पता है। ए छिछोरे, जबान संभाल के। माता जी, तुम मुझे गाली नहीं दे सकती। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट।
अंदाजा लगाइए, एक महीने में जाएंगी, दो महीने में जाएंगी या पूरा साल लगेगा आपको, लेकिन मेरे सामने फालतू की बातें मत करना। दैट इज दिलीप राजा। अरे कौन है ये सरफिरा? मशहूर मैरिज ब्रोकर दिलीप राजा। तुम घबराओ मत, ये सब बंद कीजिए आप। ये क्या बकवास चल रहा है? ये दिखाने आप समझ गया मैं, इसीलिए मैं कभी भी फोटोज माँ बाप को नहीं दिखाना चाहता, सीधे दूल्हे को ही दिखाना चाहता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? एक घंटे में शादी करोगे तो डिस्कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे इन पर नाज है। कनेक्शन का नाम सुनते ही डिस्कनेक्शन की बात कही, और आधे घंटे में मेरा भाई आता ही होगा, सेपरेशन एक्सपर्ट। मेरे क्लाइंट्स को 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपके प्राकृतिक तत्व के आइडियाज पर मैं प्रभावित हूँ। वेरी गुड, समझदार हो। वायु, जल, अग्नि, भूमि, क्या चॉइस है? आप नहीं बताओगे क्या? अरे मैं क्यों बताऊँ, क्या बके जा रहे हो? इनमें से कौन से तत्व से आपका निधन होगा ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। मेरा निधन? ये क्या बात कर रहे हो यार, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, आई एम स्टिल बैचलर। अच्छा, यानी कि आपका कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सन, सी यू देन। ओके बाय। हेलो, हाँ अभी पहुंचता हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी पहुंचता हूँ। माँ या ओके जरा बैठिए, कुछ बात क्या है बेटा, लेट हो रहा है। एक दिन लेट हो गए तो क्या हो जाएगा, आइए बैठिए। चलो चलो, जो कहना है जल्दी कहो। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, प्लीज रिलैक्स। आई विल जस्ट कॉल यू बैक। ये सब क्या है मॉम, ऐसे लड़की ढूंढोगे आप? हम लोग इंटरनेट पर जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं माँ, इंटरनेट पर चैटिंग करने से हमसफर नहीं मिलता है। ये सही नहीं है, हमें बहुत सोच समझ कर शादी का फैसला लेना होगा। ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही मरना। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है शादी। इस चीज को, इस अनुभव को मैं मिस नहीं करना चाहता, प्लीज। गोपी, देखा तुमने सांडी ने क्या कहा, जो इज्जत और गौरव हम अपने माता पिता को नहीं दे पाए, वो इज्जत आज सांडी ने हमें दी है। ए, तुम लोगों के माँ बाप ने लव मैरिज की थी ना, और तुम लोगों की अरेंज्ड। अरेंज्ड क्या? अरेंज्ड? फिर तुम्हारे पेरेंट्स के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे? क्या वो पूरा दिन लड़ते ही रहते हैं? क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? हाँ बोलो। अरे हमें देखकर समझ नहीं आता कि वो लोग कितने खुश रहते होंगे। वो लोग खुश हैं। Exactly. मुझे भी देखकर यही लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज सक्सेसफुल है। अरे तुम लोग तो जानते हो मेरी दीदी ने भी लव मैरिज की थी, इसीलिए मेरे दिल में तुम लोगों से ज्यादा लव मैरिज के लिए इज्जत है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, साथ जीने वाले साथ रहते हैं, ना खुश लोग अलग हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि शादी किस टाइप की है, प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो प्यार की गहराई को समझते नहीं है। बस मुझे एक बार प्यार होने दो, फिर देखना मेरा कमाल। दीदी, दीदी प्लीज यार, मजाक मत करो, मुझे फोटो देखने दो, क्या कर रही हो? दीदी रुको, ये क्या बचपना है? दीदी, अरे पकड़ के, दीदी, अरे यार बोला इसको, दीदी बोल, दीदी रुको, दीदी, अब बहुत हुआ, दे दो ना, देखने दो ना उसे, अरे दीदी रुको, मुझे देखने दो, सैंडी। एक कंडीशन है, अगर तुम्हारी जीजाजी को प्रमोशन मिला तो तुझे मुंडन कराकर तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी, ठीक है ना? मुझे सब कुछ मंजूर है, मुंडन भी करवा लूंगा, अब फोटो तो दिखाओ। क्या, एक फोटो के लिए तुम अपना मुंडन करवा लोगे? ओह माय गॉड, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकती। ये लो देखो, अब देखो भी, देख लो। अगर मैंने फोटो नहीं देखी तो क्या होगा? सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही देख पाऊंगा और तो कुछ नहीं। आप लोगों ने लड़की सेलेक्ट की है तो सुंदर तो होगी। क्या बकवास है, फोटो नहीं देखनी है तुम्हें? बेटा बहुत हो गया, अब देख तो ले, शौक पर शौक देता जा रहा है तू, ले एक बार फोटो देख ले, देख ले। देखो बहुत हो गया, बहुत टेंशन दे दिया, कभी माँ की भी बात सुन लिया कर। दादी माँ, हाँ। हमारी परंपरा में
बताइए दूल्हा दुल्हन को कब देखता है? दरअसल परंपरा के अनुसार मेरी दादी जी कहती थी शादी में ही पहली बार दूल्हा दुल्हन को देखता है। यही तो मेरा आइडिया है, मैं भी यही करूंगा। मेरा शक सही निकला, ये एकदम पागल हो गया। लव मैरिज से ज्यादा थ्रिल होगा इसमें। जरूर कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जरा रुको एक मिनट। अरे कहां जा रहे हो? मेरी शादी भी इस फोटो जैसी ही होनी चाहिए। क्या कहा तूने? मेरी दादी माँ की शादी जैसे? तू 100 साल पहले की रीति की बात कर रहा है। समारोह 16 दिनों तक चलता था और उसमें शादी 5 दिनों की होती थी। दादी कहती थी बड़ी धूमधाम से होती थी शादी। बड़े भाई भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, मासा मासी और सबके बच्चे भी आते थे शादी में। क्या गर्व और शान से होती थी शादी। 5 दिनों की शादी? मामा मुझे भी ऐसी शादी करनी है। अरे सैंडी क्या कह रहे हो, 5 दिन? क्या रिश्तेदारों को रोक पाएंगे इतने दिन? अच्छा तो आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? एक दिन भी आने में परेशानी होगी और तो 5 दिन की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अमेरिका में अंगूठी पहना कर चुम्मा देकर चर्च में शादी कर लूंगा। नहीं 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 जाने दे, तू जैसा कहेगा ना हम वैसा ही करेंगे। आई लव यू मॉम। अरे दादी, अरे सैंडी सुनो तो, इसे फंसा दिया। अरे करने दो उसे किस। अरे सैंडी रुको। Are you happy now? तुम्हारा वीजा रेडी हो गया है, अब शादी के बाद उसे भी ले चलो। सच्ची? हाँ हाँ डन। वो देखो मॉम डैड भी आ गए। ए सैंडी। हाँ डैडी। ये क्या हो रहा है यार? क्या हो? लड़की भी फोटो नहीं देखना चाहती। तूने कहा कि तुझे फोटो नहीं देखना, तो हमने सोचा दुल्हन को तेरा फोटो दिखाया जाए। हाँ? तो क्या उसने फोटो देखा? लड़की को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई क्या? बताओ ना, मैं जानता हूँ मैं दुनिया में सबसे हैंडसम लड़का नहीं हूँ। अरे नहीं, हमने उसे कहा कि तुम दुल्हन का फोटो नहीं देखना चाहते, तो उसने भी कहा मैं भी उसका फोटो नहीं देखूंगी। इसमें क्या? लाजवाब, सोने पे सुहागा, क्या बात है बेटा। हाँ। पता नहीं अब क्या क्या देखने मिलेगा। पहले तो लगता था कि यही पागल है, लेकिन वो लड़की भी बिल्कुल ऐसी निकली। आजकल के बच्चे और ऐसी सोच, ये कैसे? सही कहा, शादी में तो ऐसा ही होता है। देखो बेटी, लव मैरिज के जमाने में तुम्हारे बेटे ने अरेंज मैरिज को चुना है। ना इसने उसकी फोटो देखी, ना उसने देखी, फिर भी राजी हो गए, है ना? कितनी कमाल की बात। वसुंधरा दीदी कहाँ है फोटो? जरा हमें भी दिखाओ, हम भी देखें। अरे वाह आशा, तो देखो जब मेरे बेटे को ही जल्दी नहीं है, तुम लोगों को क्यों? हा? तुम लोग दुल्हन को शादी के वक्त ही देख लेना। तुम सही कह रही हो। तो ज्यादा थ्रिल है। पांच दिन का जैसे हो त्योहार शादी, हमारे शादी है शान की शादी। आकाश धरती में जितनी है खुशियाँ, वो सब आप दोनों के जीवन में आए। टुमक के चलती कन्याएं, हम सब लड़कों के होश उड़ाए। जुल्फे झटक के मटक मटक के शर्माएं मदहोश बनाए। रस्में कितनी होती है उनमें से एक है ध्वजारोहण, कितनी सारी होती सजावट बांधे जाते ऊंचे तोरण।
सुंदर देखो है दूल्हे का चेहरा, मुस्कान में कितनी सादगी, लगता है प्यारा प्यारा। यौवन की दहलीज पे रखा है पहला कदम, जीवन संगीनी के संग रहना अब हरदम। दूल्हे के बारात संग संग बाराती, शादी के लिए देखो आ रहे हैं। कॉफी भी चाहिए, हलवा भी चाहिए, बाराती देखो देखो आ रहे हैं। खुशियाँ भी लाए हैं, दुआएं भी है शामिल, ढोल को बजा के बैंड बाजा लेके बारात देखो देखो आ रही है। खुशियाँ भी लाए हैं, दुआएं भी है शामिल, दूल्हे के बारात संग संग बाराती, शादी के लिए देखो आ रहे हैं। Thank you.
तुम बिन सोने दिन थे मेरे रातें भी तुम बिन जीना एक सजा थे मेरे साथी बाहों में अपनी मुझे भर ले साजन मेरे साथ है रहना हमें प्यार से पास को संभाले मेरी रानी आओ समाए एक दूजे में मेरी रानी कहीं दूर आओ चले किसी झील के किनारे खुले आसमां के तले सबसे होके परे एक दूसरे में खो जाए बहका है मन ये मेरा चुम लो पास अंकल जरा ये थाली लीजिए ये ये इसमें पूजा की सामान ये वाला बेटे ये मंत्र पढ़कर इसे कन्या के कमर पर बांध दो। शास्त्री जी ने जो मंत्र पढ़े उनके अनुसार दुल्हा और दुल्हन 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे हमेशा के लिए। ए सुन सुन सुन, ए मेरा इंट्रो कराना। ये है मेरा सबसे करीबी और बेवकूफ दोस्त। अरे चुप, मैं भाभी से नहीं भाभी की बेस्ट फ्रेंड से इंट्रो कराने की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पहले उनके हस्बैंड से मिला देती हूँ फिर उनसे। अरे क्या भाभी क्या टीम है, मैंने तो पहले ही कहा था मेड फॉर ईच अदर। चांदी तो हमसे भी ज्यादा होशियार था लेकिन आप तो उससे भी आगे हो। कहाँ फंस गया मैं। ए, हमारी भाभी तो बहुत ही सुंदर दिख रही है सैंडी। जीजू तो और भी हैंडसम है दीदी के सामने। थैंक यू।
करने की कोशिश की तो तुम मरते दम तक तड़पते रहोगे। तड़पना, कितना प्रेम है मुझे इससे। तुम शायद जानती नहीं ये कीचक तुम्हें हर प्रकार की खुशी दे सकता है। किस बात का अहंकार है तुम्हें? क्या तुम जानती नहीं यहां तुम सिर्फ मेरी दासी हो? ये महान कीचक तुम्हारे प्रेम में बहुत उत्तेजित हो गया। क्या है तुम्हारे पास इसके पश्चात? ना तो तुम्हारे श्रेष्ठ पति देव और ना ही इस ब्रह्मांड में कोई और योद्धा मेरा मुकाबला कर सकता है। मैं हूं कीचक, एक वीर धीर क्षत्रिय कीचक। हेलो सर, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर राजगोपाल। ये मेरी वाइफ है। नमस्कार, नमस्कार। आपका बेटा वो वहां पर है। सैंडी, कमिश्नर अहमद खान। सॉरी संदीप, तुमने जो गाड़ी का नंबर दिया था 9999, वो फेक निकला। ऑलरेडी हमने इनको स्टेट वाइज क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा दिया सर, मगर कोई भी मैच नहीं कर पाया। शादी खत्म होने से पहले किडनैपिंग हुई थी, इसका मतलब इनके दुश्मन हो सकते हैं। हमारे दुश्मन? मिस्टर राजगोपाल, ये है मिस्टर उमेश गुप्ता ACP, ये आपका केस हैंडल करेंगे। ये है मिस्टर शिवाराव, विजयवाड़ा कमिश्नर। हेलो सर, ये दुल्हन के माता पिता है मिस्टर। नमस्कार। ऐसा कोई है जो आपकी बेटी से प्यार करता था या कोई दुश्मनी? सॉरी, देखिए मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, ये बस हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। पढ़ाई के अलावा उसे किसी भी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं।
अगर पैसों के लिए किडनैपिंग हुई होती तो फोन कॉल जरूर आता, लेकिन यहाँ बात कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया है, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। शुक्र है किसी की जान नहीं। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा। अगले हफ्ते संदीप अमेरिका जा रहा है। We will do our best. चलो बसु, don't worry, वो संभालेंगे। बेटे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि ये शादी इस तरह अचानक रुक गई, लेकिन पंडित जी का ये कहना है कि अगले 16 दिनों तक अग्नि का जलते रहना जरूरी है। शादी तो रुक चुकी है तो फिर इस अग्नि का जलना क्या उचित। आपने संदीप की सारी पैकिंग कर दी ना? हाँ, क्या ये गुडविल ट्रेवल्स है? हाँ, अरे संदीप कहाँ है? अरे मैं तुमसे बात में बात करो मेरी। हाँ, संदीप का टिकट कैंसिल करा, दीप्ति का टिकट कैंसिल करा दो और पासपोर्ट वापस भेज दो। हाँ वापस भेज, हाँ कैंसिल कर। देखो उधर, ओके थैंक यू। हेलो सर, मॉर्निंग। प्लीज कर। नमस्कार कमिश्नर। नमस्कार। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? आई एम सॉरी, मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बहुत ही कम समय में सॉल्व किए हैं। बस इसी केस में एक हफ्ते के बाद भी हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सर, अगर सर, आप मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमने अपराधी के तौर तरीकों पर गौर किया है। उससे शादी मंजूर नहीं थी और उसका प्लान एकदम परफेक्ट था। हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए और न ही आपकी बेटी का पता चला। हमें पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। अरे संभल के, थोड़ा रिलैक्स, जरा पानी लाओ। पर ये कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, संदीप कल अमेरिका जा रहा है तो हमने सोचा केस के बारे में बता दें। अगर कोई भी सुराग मिलता है तो हम आपकी बेटी को जल्दी वापस ले आएंगे। ओके, थैंक यू उमेश। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय सर। संभालो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को संभालो। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैं ये कह रही हूँ पर दीप्ति मेरी भी बेटी समान है, लेकिन इस मामले में हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वसुंधरा, संदीप के अमेरिका जाने से पहले कोई अच्छी सी लड़की देख के जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अभी तक मंगलसूत्र भी नहीं पहनाया और अभी तक अग्नि के साथ फेरे भी उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप सब? मंगलसूत्र से ही शादी होती है क्या? और बाकी चीजों की कोई कीमत नहीं, कोई मतलब नहीं? उस कन्यादान का जो आपने किया, उन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं है क्या? हाथ पर हाथ रख के जो कसम खाई थी वो टाइम पास था क्या? कोई नहीं जानता कि दीप्ति की आंखों ने पहली बार मुझे देखकर क्या कहा। उसकी आंखें साफ साफ कह रही थी कि मैं उसके जीवन का हिस्सा हूं, एक ऐसा हिस्सा जिसका हम दोनों को सालों से बेसब्री से इंतजार था। मैं हमेशा कहता था ना कि प्यार का जो मैजिक होना चाहिए वो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया। वो मैजिक फर्स्ट टाइम मैंने दीप्ति की आंखों में देखते ही महसूस किया। दीदी, आपको वो मैजिक कॉलेज में मिला था। आपने ही मुझसे कहा था ना कि अगर मॉम डैड नहीं माने तब भी आप इससे शादी करेंगी, पर उस वक्त मैं प्यार की ताकत को समझ नहीं पाया था। उदय, तुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था श्वेता की रैगिंग करते वक्त। मैं सोचता था लव एट फर्स्ट साइट कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, प्यार कभी किसी वक्त या किसी जगह का मोहताज नहीं होता है। वो कॉलेज में हो सकता है या रैगिंग करते वक्त भी हो सकता है, और मुझे वो शादी के मंडप में हुआ। जब मैंने दीप्ति को पहली बार देखा मुझे तभी उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव। आपके शास्त्र, आपकी रस्में, आपके उसूल कुछ भी हो, मगर दीप्ति मेरी पत्नी है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है। कोई चाहे कुछ भी कहे, बट शी इज माय वाइफ। पुलिस की बातें सुनकर मैं बहुत ही घबरा गई थी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे पक्का यकीन है कि मुझे, मैं कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ, चाहे मुझे सात समुंदर पार भी करना पड़े मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। पहले पारंपरिक तौर से शादी करने पर मुझे लगा ये तो सिर्फ एक थ्रिल के लिए है, लेकिन वही परंपरा के प्रति तुमने इज्जत दिखाई और अपने प्रेम के प्रति जो तुमने जिम्मेदारी दिखाई है उसके लिए शाबाश मेरे बेटे। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। Thank you.
उसे अब तक तुम लोग लड़की को ढूंढ नहीं पाए, डिपार्टमेंट झक मार रहा है क्या? तुम लोग सो रहे हो? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। खाक कोशिश कर रहे हो? केस को बंद करने के तरीके ढूंढ रहे हो क्या? फिर कहोगे किसी ने उसे मार दिया और हम बॉडी को ढूंढ नहीं पाए, क्यों? यही है तुम्हारा वर्किंग स्टाइल। सरकारें बदलती रहती है सर, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। देखा देखा इसका तेवर, जबान पर लगाम दो। मेरी मेरी बेटी जब लापता हुई थी तब संदीप उसे वापस लेकर आया था, तुम्हारी पुलिस नहीं। और अब जब संदीप की पत्नी लापता हुई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। अरे गोपी, संदीप कहाँ है? जी कुछ भी पता नहीं, पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया। दीप्ति के लिए अमेरिका का जॉब भी छोड़ दिया उसने। बेचारा, अब उसे क्या क्या सहना पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। कुछ नहीं होगा उसे, माना कि उसने उसे पल भर ही देखा होगा, लेकिन ऐसा प्यार उसे और कोई नहीं दे पाएगा। संदीप दीप्ति को जरूर ले आएगा। जल्द से जल्द मेरा थोड़ा अर्जेंट है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, हम लोगों से देखा नहीं जाता। दोस्त, इतना रिस्क क्यों लेने का, हैदराबाद वापस चलते ना। पता नहीं कब कोई तुझ पर अटैक कर दे, इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। परवाह नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे ढूंढ निकालें, कम से कम पता तो चले कि दीप्ति है कहाँ। तुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है, कहाँ ढूंढता फिरेगा। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे बस एक बाइक चाहिए। सैंडी वापस आना तो दीप्ति के साथ ही, उम्मीद है तुम्हारा प्यार मिस ना हो। टेक केयर। हाँ मैंने तो इन्हें देखा है, ये रोज यहाँ से बस से शहर जाती थी, बड़ी सुंदर है। इन्होंने मुझे समझाया कि बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए ना कि काम करना चाहिए, और मेरी बेटी को दाखिला उन्होंने ही दिलाया। ये जो कमला आप देख रहे हो ना, ये मुझे दीदी ने भेंट दिया था क्योंकि मैं स्कूल में ध्यान देती हूँ। ये फूल कितना सुंदर है ना। बाय माँ। बाय अंकल। बाय। पता नहीं किस परेशानी में थी वो, दुल्हे को देखे बिना ही उसने हाँ कह दी। अच्छा सुनो सर, यहाँ करीबी एक गांव में प्राइमरी स्कूल टीचर रहती है, वो दीप्ति की बहुत अच्छी दोस्त है, वो दोनों अक्सर यहाँ से गुजरते थे, उसे मिलकर देखना, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। थैंक्स। सर ये तो बताइए आप हो कौन, पुलिस वाले हो क्या? वो फोटो जिस दूल्हे के पास आई थी वो मैं ही हूँ। प्यार नहीं करती मुझसे? डालो ऐसे बोल, नाटक करती है मेरे साथ, डालो क्या बात है, क्या नहीं करती मुझसे, डालो डालो
तेजाब फेंकेगा इस पर। हाँ आप जाइए यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ, मैं इसे संभालूंगा। मासूम लड़कियों को तेजाब से डराते साले, समझता क्या है उसको? तेजाब फेंकेगा? अरे तेजाब तो तुम जैसे लोगों पर फेंकना चाहिए, बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। सारा पहचान देनी मुझे, कौन हूँ मैं? पर एक लड़की थी, वो कहाँ गई? स्कूल टीचर की बात कर रहे हो? पता नहीं कहाँ गई वो। कौन से गांव में? इधर ही मंदिर के पास। दीदी, यहाँ एक स्कूल टीचर रहती है ना? रहती तो है, पर पता नहीं क्या हुआ, अभी अभी पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई। हेलो डैडी, आप जल्दी से कमिश्नर के पास पहुंचिए। ठीक है ना बेटा? क्या बात है? सैंडी, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, वो स्कूल टीचर दीप्ति के बारे में जरूर कुछ जानती है। सर, हमसे पहले ट्रेस कर लिया, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो लड़की एक शब्द भी बोल नहीं पा रही है। ये साफ है कि उसे जरूर कुछ पता है। मुझे लगता है कि सैंडी, खाके सुधर जाएगा, मगर नहीं सोचा था कि वो इस हद तक जाएगा। बस बहुत सुन लिया, अभी जाकर उसकी हड्डी पसली कर दूंगा। क्या बात है सर, हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये पता है कि दिवाकर ने किडनैप किया है तो आप लोग चुप क्यों हैं? हमें उम्मीद थी कि दीप्ति जीवित होगी, लेकिन अब हमने जब सच्चाई सुनी है तो उम्मीद चली गई है। बात क्या है सर? देखिए, दिवाकर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता सर, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। उसने दीप्ति को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है और ये उसकी आखिरी गलती होगी। के ब्रदर्स, इन्हें तो पकड़कर गोली मार देनी चाहिए। प्रभाकर और दिवाकर, इनसे निपट पाना कोई आसान काम नहीं है। गलत फैमिली बैकग्राउंड में पले बढ़े, गलत संगत में रहे, इंसान से राक्षस बनने में इन लोगों को जरा भी वक्त नहीं लगता। ये है समाज के दो गंदे कीड़े, प्रभाकर दिवाकर। रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन,
सभी घुटने टेकते हैं उनके सामने। डर और आतंक फैलाना प्रभाकर की दिलचस्पी है, लेकिन दिवाकर, दिवाकर की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है और वो है नाटक से प्यार। रियल लाइफ में भी वो नाटक के कैरेक्टर्स को निभाता फिरता है। हाथ मुझे दे। ऐसा राक्षस है जिसके सामने जानवर तक जाने से डरते हैं, उसे न कानून से डर है न मौत से। वो हैवानियत का जीता जागता नमूना है। सच कहा जाए तो खुद पर उसका कोई काबू नहीं है, वो बिल्कुल एबनॉर्मल इंसान है। इसीलिए दीप्ति को वहां से वापस लेकर आना या उसे अरेस्ट करना हमारे बस में नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट से आती है या केके से? संदीप, आप सिर्फ आम आदमी पर पावर दिखा सकते हैं, दरअसल आपके पास कोई पावर है ही नहीं। अगर आपके पास पावर होती तो आप दीप्ति को छुड़ा लाते, पर मैं यमराज से भी नहीं डरता हूँ और आप लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। ये पुलिस का यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दीजिए और बन जाइए केके का गुलाम। मैं अभी जाकर उस कमीने को मार डालूंगा। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? पागल मत बनो, होश में आओ। सैंडी रुको, कंट्रोल योर एंगर। अगर तुमने उस अपराधी को मारा तो जिंदगी भर तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। उसे मारकर तो मुझे बताओ कि तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, हमें हमारी ड्यूटी करने दो, हमें सिर्फ एक मौका दो प्लीज। क्या रे, ये क्या हो रहा है? मैंने तुझे मिनिस्टर बनाया और तू मेरे पीछे पुलिस भेज रहा है? एक मिनट प्रभाकर, इतना भड़को मत यार, जरूर कोई गलती हुई है, भला मैं पुलिस को क्यों भेजूंगा? अरे वाह, बिना तेरी परमिशन के ये एसीपी यहाँ आया है? बेवकूफ समझाए मुझे। देख ले, इस बार इलेक्शन में तुझे कोई भी वोट नहीं देगा, डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा तेरा। पुलिस वाले को फोन दो जरा, मैं बात करता हूँ। हेलो, हे, कौन है तू? एसीपी उमेश गुप्ता। ऐसा क्या, खुद को क्या समझता है? यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पर दादागिरी शुरू कर दी है क्या? सर वो क्या है कि, देख मेरी बात ध्यान से सुन, पुलिस की वर्दी का पूरा इस्तेमाल कर। उस दरिंदे के घर जाने वाले तुम पहले ऑफिसर हो, पॉलिटिक्स के झमेले में मत फंसो, पुलिस पावर का पूरा इस्तेमाल करो, दोनों की हड्डी पसली एक कर दो। मैं तुम्हारी ड्यूटी के बीच में नहीं आऊंगा। देखो उमेश, अब तुम ऐसे पेश आओ जैसे मैंने तुम्हें चुप करा दिया। आप उस कमीने को फोन दो जरा। हाँ, समझा दिया ना इसे? मैंने उसे सब समझा दिया है, छोटी सी फॉर्मेलिटी, उन्हें छानबीन करने दो, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है। इस कमरे पर ताला क्यों है? खोलो इसे। खोल तो दूंगा, मगर भूल से भी अंदर जाने की जरूरत मत करना इंस्पेक्टर। चल निकल, बहुत हो गया नाटक तेरा। कहा ना, जल्दी से ताला खोल। नहीं, तुझे जो करना है कर ले। पहले ये कंफर्म कर लूं कि अंदर कौन है, इसके बाद तुझे दिखाता हूं कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। तेरे पास ताकत है तो तू क्या कलाकार से इस तरह से पेश आएगा? कान खोल कर सुन ले इंस्पेक्टर, इस कमरे के अंदर मेरी प्रेमिका बंद है और वो सुरक्षित है। जाओ और जाके रिपोर्ट बना। तुझे ये ताला अभी खोलना पड़ेगा। तो तू मुझसे खुलवाएगा? हाँ। ले लो इनका मोबाइल फोन और तोड़ दो बाहर। कमीने कहीं के मुझे पकड़ने आए थे, मुझे पकड़ने, दफा हो जाओ। देखता हूँ तो मुझे कौन से केस कौन से सेक्शन में अंदर करता है। चल जा, दफा हो जा। हाँ अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो बच नहीं पाएगा। हेलो, बॉस मैंने नंबर प्लेट चेंज कर दिया।
कहां पर? कैसे? क्या बात है सर? केके ब्रदर्स की टीम ने एसीपी उमेश गुप्ता का एक्सीडेंट करवा दिया। एसीपी और अंदर बैठे दो पुलिस ऑफिसर स्पॉटेड। को कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि पवित्रता शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। वो जालिम ज्यादा से ज्यादा अपने बल से उसके शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उसके मन को मैला नहीं कर सकता जो सिर्फ मेरे लिए है। आजकल तो पति बेगुनाह पत्नी की पवित्रता पर भी शक करते हैं। पिता होकर भी मैं अपनी बेटी को ठीक से समझ नहीं पाया। दुख और तकलीफ में ही सच्चे इंसान की पहचान होती है। हाँ, विकास तो केवल हमें सिर्फ डिग्री ही दिला सकता है, लेकिन संस्कार से मन इतना विशाल हो सकता है। वो आज समझ में आया मुझे, आज समझ में आया है। अगर मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी या फिर अपने आप को खत्म कर दूंगी। तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। ना 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 ना, ना। गुस्सा मत करो, तुम्हारे प्राण गए तो फिर मुझे भी मरना होगा। अगर आज मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम कल फिर कोशिश कर लेंगे। हाँ, मैं एक दिन बिल्कुल रोक सकता हूँ। अगर एक रात की बात होती तो मैंने तुम्हारा शरीर कब का चख लिया होता। तुम्हारे अहंकार को मैं नकारता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ हर रात बितानी है। मान जाओ। दीप्ति को मैं वापस लाऊंगा, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उसका पति हूं, इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर चाहे कुछ भी कहे, मैं उस कुत्ते कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जान की भीख मांगेगा पर मैं इतनी आसानी से नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे। अरे तू,
मैं तुम लोगों की मौत हूं। जाओ बता दो इसे कि मैं कौन हूं। तुमने तो बिल्कुल खाना भी नहीं छोड़ दिया। इतने दिनों से मैं इसी इंतजार में था कि शायद तुम बदल जाओ और मेरी बात मान जाओ, लेकिन अब तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो क्या कहती हो? गुस्सा क्यों करती हो? वो तुझे यहां बचाने आएगा। भाई फोन है। अभी कुछ नहीं, चल। बॉस प्रभाकर जी का फोन है, बहुत ही अर्जेंट काम है। हाँ बोल, क्या हुआ भाई? यहाँ कोई आया है और कोई नहीं कमीने, ठीक से बताओ उसे। दीप्ति का पति आया है। उसका पति है वो। छोड़ दे उसे, दीप्ति का छोड़ दे, नहीं तो तेरे भाई को यहीं पर मार डालूंगा। सच कहा, तेरा अंत नजदीक आ गया है बच्चे। देखकर मुझे मेरी बीवी की याद आती है। ये सच है कि तू उसे यहाँ उठा कर लाया है? पहली बारी तेरी, बाद में मेरी, ठीक है? हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं ना, मैं तेरा ख्याल रखूं, तू मेरा ख्याल रखे, ठीक है ना? द्रौपदी को तो अर्जुन ने स्वयंवर में ही जीत लिया था, लेकिन धर्मराज के साथ भी बांटना पड़ा था। रे 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 रे, इतनी कलाकारी के बाद भी
मैं महाभारत का बेसिक कैसे भूल गया यार? अरे बाली और सुग्रीव सेम टू सेम। मर गया साला नीच कहीं का। बाली और सुग्रीव एक ही पत्नी आपस में बांटते थे, ये तू मुझे सिखाएगा? जानता है सुग्रीव ने इसी कारण बाली को मार दिया था? हाँ, अगर तुझे ये पता होता तो तू अभी तक जिंदा होता ना। मुझे अराध बनाकर अब कहाँ चले गए मेरे भाई? मिल गई ना सजा मेरी महबूबा पर गलत नजर डालने की। लेकिन समझ में नहीं आता मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा। ओह, तुम्हारे लिए जीना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरी देवी पर आंख उठाकर भी देखा तो उसका हश्र भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैंने अपने भाई का किया है। जान से मार दूंगा उसे। सिर्फ दीप्ति की वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, पर ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। कितनी देर पानी के अंदर रहेगा ये? पानी में छलांग मारने से इसको लगता है बच जाएगा। साला मेरे इलाके में आके मुझी से पंगा। तुम लोगों को मालूम है ना मैं अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं, इसलिए तुम लोग जल्दी से जल्दी उन दोनों को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, वरना तुम लोग जानते हो ना मेरी खोपड़ी फंसकी तो क्या होगा। चलो जाओ ढूंढो उसे। बॉस, प्रभाकर भाई के अंतिम संस्कार का क्या करना है? तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे क्या करना है। भाई का अंतिम संस्कार बाद में होगा जी। सबसे पहले तो मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। शादी तो पूरी भी नहीं हुई, फिर अपनी जान खतरे में क्यों डाली? पता नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हारी हो चुकी हूं और मरते दम तक सिर्फ तुम्हारे। दीप्ति, 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 आंखें खोलो दीप्ति।
शरीर काफी ठंडा हो गया है, लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब मैं ये टैबलेट तुम्हें देता हूँ। उस लड़की को ढूंढो, अगर वो नहीं निकली तो दिमाग से भाई हमें मार जाएगा। ढूंढो वो, जल्दी सारी जगह को घेर लो, जल्दी। क्या ये, क्या दिवाकर के गुंडे इसी के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम जल्दी से यहाँ से इसे ले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, उठा लो इसे। हाँ संभल के। मैंने इसे सलाइन तो लगा दी है, पर तुम इसे जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाओ। हाँ
सब चिट्ठी कर रहा है। अरे बॉस इन दोनों पैसे देख लिया तो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे छुड़ाओ इन लोगों को। अरे तुम लोग को फेविकोल ने चिपकाया है क्या? और भी कुछ चाहिए? ऐसे ही है, प्यार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार तन से नहीं बल्कि मन से किया जाता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे सिर्फ यही पता है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती हूँ। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी पल मैंने और तुमने साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल हैं। और अब हम हमेशा के लिए साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ढूंढो सर, ढूंढो उसे। तक तो मौत पीछा कर रही थी, अब हम मौत के पीछे हैं। जानता था मैं तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं। नहीं ढूंढ पाए? तुम लोग नहीं ढूंढ पाए ना उसे? मेरी बात सुनो, ढूंढ निकालो उसे, वरना तुम सब का भी यही अंजाम करूंगा। मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? मुझे जिंदगी भर बस तुम्हारे साथ रहना है। बंद कर अपनी ये नाटकबाजी। तेरी उंगलियों पे नाचने वाली हम नाटक की कठपुतलियां नहीं है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना, ले मैं आ गया हूँ तेरे सामने। दम है तो आ मुकाबला कर, पर तुझ में दम कहाँ है? इसीलिए तो बुजदिलों की तरह दीप्ति को किडनैप कर लिया। जिस मंडप को तूने उजाड़ा था उसी मंडप में बैठ कर दीप्ति से शादी करूंगा मैं। मर्द का बच्चा है तो रोक कर दिखा, मेरे सामने दीप्ति को जरा हाथ भी लगा कर दिखा। बड़ा बहादुर बनता ना तू, यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे। तू दुनिया को डराता है, आज उसी डर को तेरे साथ खत्म कर दूंगा, वो भी अपने दम पर। इसे कहते हैं हिम्मत। दीप्ति मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है, इसे कहते हैं प्यार। और इस प्यार को कोई नहीं रोक सकता है। अगर अब भी तुझ में दम है और सीने में जिगरा है तो आ जाना मेरी शादी के मंडप में। दीप्ति।
सत्यभामा रथ लेकर श्री कृष्ण को युद्ध में खुद लेकर आती है। अगर हमारा बॉस नरकासुर है तो युद्ध शुरू हो चुका है। ये तो बहुत बुरा हुआ कमिश्नर, ये प्रभाकर तो लोगों के बीच फेमस था, इतने सारे लोग आए उसकी मौत की खबर सुनकर, ये कैसे हुआ? बोलो कैसे हुआ ये? उन्हें पता है कि वो दिवाकर का भाई है, अगर वो एक्साइटेड होता तो हम उसे जरूर पकड़ लेते, लेकिन अभी वो चुप बैठा हुआ है जो काफी डेंजरस है। और सीने में छिगरा है, आ जाना मेरी शादी के मंडप में। कल शादी होने वाली है और लगता है सिर्फ मुझे ही इसकी फिक्र है, पता नहीं सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ए, गले वाले अब आए हो इसे लेकर, ले जाओ उधर रखो, जल्दी करो। अरे लेडीज आप लोग मिठाई बना भी रही हैं और खा भी रही हैं, हैं? और तुम वो काला प्लास्टिक बैग वहाँ पर किस लिए रखा हुआ है, उसे जल्दी से वहाँ से हटाओ। अरे दिलीप राजा आपका तो गेटअप भी बदल गया। सिर्फ गेटअप ही नहीं बेटे, माइंडसेट भी बदल दिया है मैंने। ऐसा क्या? ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पूरी शादी का खर्चा इसी ने उठाया है। अरे दादी माँ आप अभी तक टपकी नहीं, ऊपर स्ट्राइक है क्या? आप मेरे साथ आइए, मैं स्ट्राइक रुका देता हूँ। ऐसा क्या, तूने ऐसा किया ना तो मेरी तरफ से हनीमून पैकेज बिल्कुल फ्री। ओहो ये बात। अरे आप यहाँ, आपको तो ऐसी शादी पसंद नहीं थी ना? अरे ये क्या बोल रही हैं आप, इसकी शादी के चर्चे तो पूरे देश में हैं, आसमान से लेकर धरती तक यही बात चल रही है। अच्छा, सच में? और तेरी ये शादी देखकर मेरा मन कर रहा है मैं भी तेरे साथ यहीं पर शादी कर लूँ। कर लूँ? निश्चिंत रहिए, ये शादी होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। परेशानी तब होती है जब खौफ छुपकर हमला करता है, लेकिन जब खौफ को मैं खुद ही दावत दे रहा हूं तब क्या क्या करना है ये मुझे पता है। ईश्वर की कृपा से देखो मंगल में घड़ी आई है, लगता है कि सर जाके खुशियाँ लेकर आई है। जुड़ने वाला है बंधन, कितना पावन है ये मिलन, साथ नहीं एक जन्म का, साथ है ये कई जन्मों का। वधु माँ सीता की मूरत है, वर श्री राम की सूरत है, कितना पावन है ये मिलन, आज जुड़ा एक नया बंधन। खुशियों की सौगात मिली, वर वधु के नव जीवन की मंगल में शुरुआत हुई। माता पिता की आंखों से खुशियों के आंसू छलके, नव वर वधु परेश्वर के आशीष की कृपा बरसे। शादी की पवित्र डोर से देखो, जुड़ गया है एक नया बंधन। गोल
यदि मैं कन्या को किसी और के पहले जीत लूं उसमें कोई विशालता नहीं, लेकिन अगर उसे जीत लूं जब वो कहे कि वो किसी और की हो चुकी है, वो ही है पुरुषत्व। ये वस्तु नहीं जिस पर तुम जीत पा सको, एक बंधन है ये। मेरे पति मेरे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। जिस तरह वामन ने राजा बाली को अपने पैरों तले कुचल दिया था, ठीक उसी तरह मेरे पति भी तुम्हें अपने पैरों तले कुचल देंगे। और देख लेना, हमारे विवाह से ही तुझ जैसे जानवरों का खात्मा होगा। सही कहा तुमने, सुखी विवाह से ही जीवन बनता है। सुखी वैवाहिक जीवन से बने सुखी संतान, सुखी संतान से बने सुखी समाज। हाँ, और सुखी समाज से बने एक सुखी दुनिया। रे रे रे, ये भाषण सुनकर मैं थोड़ा सा बोर हो गया, लेकिन एक अग्नि आ गई है, सिर्फ लोभ के प्रति नहीं बल्कि क्रोध के प्रति। पहले मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी खून की बलि चढ़ाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी पत्नी को अपवित्र बनाऊंगा। तू तो प्यार के प्रति बहुत विचार कर रहा था, चला जा, तेरे प्यार को पाताल पहुंचाता हूँ। हमारे प्यार को तू क्या पाताल तक पहुंचाएगा? हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि तू क्या साक्षात यमराज आ जाए तो वो भी डर जाए। प्यार 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 के नाम पर मुझे चुनौती दे रहा है ये। दम है तो ये सीना चीर कर दिखा। Thank you.
हाथ होने से विवाह करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर स्त्री की रक्षा करना चाहते हो तो हाथों में शक्ति चाहिए, और अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो क्या आवश्यकता है प्रेम और विवाह करने की? वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज तुमने दिखा दिया है कि प्रेम से बड़ी शक्ति और कुछ नहीं है। तुम्हारे इसी प्रेम ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया और तुम्हें सुख दिया।